2 अक्टूबर जिसे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में पूरा विश्व मनाता है, इवन हम भारतीय भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जी का ही जन्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे देश की एक और विभूति, एक और व्यक्तित्व जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर माँ भारती के ऐसे 2 सपूत जन्मे जिनके विराट व्यक्तित्व, अटल सिद्धांतों ने पूरे भारतवर्ष को सत्य, स्वाभिमान और शांति की राह दिखाई। एक थे अहिंसा के पुजारी जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरे व्यक्तित्व के महान धनी थे भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोनों के ही जीवन की हम बात करें तो दोनों का जीवन सादा जीवन और उच्च विचारों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर कोई भी युवा, कोई भी देशवासी उन्हें प्रेरणा के तौर पर ले सकता था। शास्त्री जी ने बहुत कम आयु में ही देश के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। तो आज मैं आपको SS डिपार्टमेंट की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में विस्तार से बताते हुए उनके वो अनछुए पल आपको बताने की कोशिश करूंगी जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। वहीं महात्मा गांधी जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी द अनसंग स्टोरी ऑफ हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिन्हें भारतीय इतिहास के अंदर एक महान विभूति के रूप में याद किया जाता है, उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये सब हम 2 अक्टूबर के दिन अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी SS डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई है, जिसमें हम आपको इन 2 महान विभूतियों के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में मैं बात करूं, तो 2 अक्टूबर 1904 को बनारस में उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी शारदा प्रसाद जी थे। अगर शुरुआती जीवन की बात करें तो जब तक उनके पिता के पास एक सरकारी नौकरी नहीं थी, तब तक उनका जीवन वाकई ही गरीबी के अंदर बीता था। शारदा प्रसाद जी को कुछ समय के पश्चात सरकारी नौकरी, एक रिवेन्यू ऑफिसर के तौर पर नौकरी प्राप्त हुई, जिसके बल पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक अच्छी शिक्षा, और ये कह सकती हूँ शुरुआती शिक्षा के बाद अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तीर्ण की। तो वाकई ही जो शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन वाकई ही शुरू के दिनों में वो गरीबी में रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीवन को, अपने विचार, अपने आदर्शों से और गांधी जी की प्रेरणा से वाकई ही उच्च जीवन में तब्दील कर दिया। शुरुआती जीवन जो रहा उनका, शुरुआती जो शिक्षा रही वो गांव के स्कूल से ही हुई, उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए वो काशी विश्वनाथ विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बनारस जाते हैं। बनारस जाकर जो उस समय का सबसे अच्छा कॉलेज आप कह सकते हैं माना जाता था, काशी विश्वनाथ विश्वविद्यालय, वहाँ पर उन्होंने अपनी शास्त्री जी की जो उच्च शिक्षा थी वो कंप्लीट की। और इसी दौरान जब उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की, तो जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जातिवाद जो है वाकई ही भारतीय समाज में एक कलंक की तरह काम कर रहा है। जाति का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और इसकी वजह से उच्च नीच का जो भाव था लोगों के अंदर वो बड़े स्तर पर बना हुआ था। अपनी हायर एजुकेशन ग्रहण करने के पश्चात उनकी शादी ललिता देवी जी से होती है, और यहाँ से उनके जीवन में जो है वो बहुत बड़े बदलाव जो वो आने शुरू होते हैं। सबसे पहले तो जिस जातिवाद को उन्होंने अपने एजुकेशन
के समय देखा, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना सरनेम जो कि श्रीवास्तव जी था वो लगाना छोड़ दिया। उसके पश्चात जब उन्होंने शास्त्री जी की डिग्री हासिल कर ली तो लोग उन्हें शास्त्री जी के नाम से ही जानने लगे। क्यों? क्योंकि उनके विचारों में भी वाकई ही वो डिग्री जो उन्होंने हासिल की थी उस वो डिग्री वाकई ही डिग्री ना होकर उनकी पर्सनैलिटी में जो है वो दिखती थी। अब यहाँ से जब उनकी शादी ललिता देवी जी से होती है तो एक और शुरुआत उन्होंने की जो कि वाकई ही किसी को भी प्रेरणा दे सकती थी, दहेज प्रथा, जो कि भारतीय समाज में कभी से ही शुरुआती दौर से में इसे जिसे एक भेंट के रूप में दिया जाता था माता पिता के द्वारा, लेकिन इसने कैसे एक विकराल रूप ले लिया इसे आज भी हम 21वीं सदी के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसे मिटाने के लिए अपने स्तर पर कोशिश की और उन्होंने दहेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक चरखा दहेज में लिया। चरखा दहेज में लेने का उनका इंटेंशन ये था कि इस चरखे से वो लोगों को प्रेरित करेंगे कि किस प्रकार से सूत को काट कर हम ग्राम उद्योग में खादी उद्योग को जो है वो ग्रामीण एरिया में जो है खादी उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश के अंदर जो सूती कपड़े को लेकर जो उद्योग है जो विश्व में अपना परचम लहरा रहा है वो और कैसे बढ़ सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है शुरुआत की। अब जब वो पढ़ रहे थे, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे, तो उसी दौरान उनके गुरु आप कह सकते हैं उनके टीचर थे जो वाकई ही देशभक्ति के विचारों से भरे हुए थे, जिनका नाम था निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी। वो वाकई ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और यहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली और अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून जो है उनके अंदर पैदा होता है और देश की आज़ादी के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चले थे उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरुआत होती है उनके स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। इसी दौरान 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और जब उन्होंने 1916 में चंपारण मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया तो उसको उन्होंने देखा, उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी अपने जीवन में अहिंसा सत्य को हमेशा के लिए अपना लिया और उन्होंने ये ठान लिया कि उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए वो देश को बदलेंगे, देश को आज़ाद कराएंगे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1921 में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसके लिए उन्होंने अपना पूरा पार्टिसिपेशन, अपना पूरा सहयोग जो है वो उनको दिया और इस दौरान उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। और हालांकि उस दौरान वो मात्र 16 से 17 वर्ष के थे, इसलिए नाबालिग होने की वजह से उनको ज़्यादा दिन तक कारावास में नहीं रखा गया और जल्दी ही उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वो कहाँ जेल की हवा खाने के बाद अपने विचारों को बदलने वाले थे, शीघ्र ही उन्होंने अपने विचारों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद को ज्वाइन कर लिया। इनका इस कमेटी को ज्वाइन करने का इंटेंशन ये था कि इस कमेटी के ज़रिए वो पूरी तरह से ऑफिशियली देश के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि वो देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा सकें। और इसी दौरान जब गांधी जी बार बार आंदोलन चला रहे थे, जब वो उनके संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज लोगों ने हम भारतीयों के ऊपर, किसानों के ऊपर, हर एक वर्ग के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं और कैसे ज़बरदस्ती वो उनसे वसूल कर रहे हैं, ये चीज़ उनको अंदर तक चुभ गई और उन्होंने इसके लिए कुछ कर गुजरने की ठान ली। और गांधी जी के साथ चलते हुए उन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और यहाँ से जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तो यहीं से उन्होंने जो है वो दोबारा से वो जेल पहुंच जाते हैं और जेल की हवा खाने के बाद भी उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने अपनी फिलॉसफी, अपने विचार एज इट इज रखे जो देश के लिए पहले भी थे। अब यहाँ पर नेहरू जी ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण है
और उनके विचार बहुत बड़े हैं, अनमोल हैं, वो उनकी पर्सनालिटी से काफी प्रभावित हुए। अब देश आजादी की बात आती है, देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, और ऐसे में आजाद भारत के लिए भी वो बहुत कुछ करना चाहते थे। नेहरू जी उनकी पर्सनालिटी से पहले ही प्रभावित हो चुके थे, और इस बात से प्रभावित होकर नेहरू जी ने 1956 में उनको रेल मंत्रालय सौंप दिया। अब यहाँ से ये जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने वाकई ही देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है, ट्रेन के अंदर हादसे के अंदर 150 लोग जो है वो मारे जाते हैं, और इस हादसे का इतना बड़ा इतना बुरा असर हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के जहन में कि उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि इस हादसे के लिए वो जिम्मेवार हैं। वहीं पर अगर आज आप हमारे लीडर्स को देखें तो उनके ऊपर कतई असर नहीं होता, चाहे कितने ही लोग मर जाएं, लेकिन देखिए उनकी पर्सनालिटी को, उन्होंने तुरंत जो वो रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। अब 1957 में 56 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था, अब उन्हें जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया, एक नया डिपार्टमेंट जो है उनको सौंपा गया। अब यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ नया चेंज करने की सोची, और उसके अंदर बदलाव लाने के लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। इसी के बल पर काम करते हुए उन्होंने आगे चलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर अपने बिहाव पर काम करना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान कुछ ही समय के पश्चात, कुछ ही सालों के पश्चात, जिन नेहरू जी के साथ वो ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे, शीघ्र ही उनकी डेथ हो जाती है। 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर काम करते हुए नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और ऐसे में कांग्रेसियों के मन में ये सवाल उठता है कि अब किसे देश का जिम्मा सौंपा जाए, और ऐसे में सबका जो है वो ध्यान जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ, और सभी जितने भी मेंबर थे कांग्रेस के, उन सब ने लाल बहादुर शास्त्री जी को इसके लिए जो है वो ऑफर दिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी शुरुआती दौर में इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने की वजह से, क्यों, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, और इतने बड़ी जिम्मेवारी को उठाते हुए या उठाने में वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन काफ़ी दबाव के बाद उन्होंने ये पद एक्सेप्ट कर लिया, और वो पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री के पद पर। अब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक काफ़ी उनका एक ऐसे वक्तव्य के बारे में मैं बताना चाहूँगी, एक ऐसी छोटी सी कहानी, या आप कह सकते हैं कि ऐसे छोटी सी प्रेरणा आप भी ले सकते हैं, जो जिससे कि आप सीख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी उन्होंने कभी भी सरकारी सेवाओं का गलत इस्तेमाल करने की नहीं सोची। क्या होता है कि एक बार वो घर से आते थे, जाते थे ऑफिस, तो आने जाने में जो हो वो सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए जो है उन्होंने देखा कि मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपये हैं। अब ऐसे में गाड़ी थी 12,000 की और उनके पास थे 7,000, तो उन्होंने बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें जो हो वो पूरी की और अपने लिए गाड़ी खरीदी। अब इसी दौरान देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, गरीबी थी, और इन सब को शास्त्री जी दूर करना चाहते थे और देश के अंदर एक नया सवेरा लाना चाहते थे, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी देश की जड़ों को खोखला कर रही थी, और शास्त्री जी इस बात को भांप चुके थे और वो इसे दूर करना चाहते थे। और इसी कड़ी में वो आगे काम करने की शुरुआत कर ही रहे थे कि उन्होंने, या मैं कहूं कि शुरुआत कर भी दी थी देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति चल रही थी, और उसको पूरा जोर शोर समर्थन जो वो शास्त्री जी का मिल रहा था। इवन मैं कहूँ कि शास्त्री जी उसको बढ़ावा दे रहे थे ताकि आने वाले समय में देश में किसी भी प्रकार से खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी दिक्कत ना हो। इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की नीतियाँ भी जो वो अपनाई थी देश में। लेकिन इसी बीच एक और जो है वो समस्या आ जाती है, और वो समस्या थी 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध की। पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, और ऐसे में
भारत जो है वो इस युद्ध में पीछे भी नहीं हट सकता था। तो ऐसे में शास्त्री जी ने पूरी तरह से सैनिकों को मोटिवेट किया और युद्ध में जो है वो डट कर सामना करने के लिए दुश्मन का उनको प्रेरित किया। अब ऐसे में बार बार वो हौसला देते थे सैनिकों को कि आप लोगों को जो है वो लड़ना है देश के लिए, अपनी जान तक जो है वो देने के लिए, अगर जान पे भी आपकी आती है तो वो भी आपको देने के लिए तैयार रहना है। लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, साथ ही देश में अनाज की कमी ना हो, किसानों को मोटिवेट करने के लिए, इसी बीच लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस नारे ने इतना काम किया कि देश का हर किसान हर सैनिक देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार आतुर नजर आया। और ऐसे में युद्ध चल रहा था और पूरी तरह से हमारा सैनिक हमारा किसान लगा हुआ था देश की आन को बचाने के लिए। इसी दौरान अमेरिका से हमने डिमांड की खाने पीने की, हमारे यहाँ से समस्या आ रही थी तो हमने अमेरिका से अनाज संबंधी यानी अनाज के लिए मांग की, बट अमेरिका ने अनाज के लिए मना कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो उस दौरान अमेरिका जो है वो फेवर कर रहा था पाकिस्तान को। अमेरिका ने हमें अनाज देने से मना कर दिया, लेकिन शास्त्री जी इस पर भी बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल मुझे अपने तरीके से निकालना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सोचा इसके ऊपर और सोचने के बाद उनके माइंड में एकाएक ये आया कि क्यों ना मैं एक दिन का एक वक्त का खाना कम कर दूं या मेरा परिवार एक वक्त का खाना कम कर दे तो उससे उसका असर गरीबों पर देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये फॉलो किया अपने परिवार के अंदर, उन्होंने अपने परिवार में कहा एक दिन कि इवन वो दिन था सोमवार का कि आज रात का डिनर नहीं बनेगा, हम लोग जो है आज डिनर नहीं करेंगे, देखते हैं इसका असर क्या होता है। और हुआ वही जो शास्त्री जी ने सोचा था और एक वक्त के खाने से उन्होंने सोचा कि जब एक वक्त के खाने से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा तो इतने कितने सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो अगर एक वक्त का खाना छोड़ दें तो जो गरीब तबका है उनको वो खाना नसीब होगा और जिससे कि इस समस्या से हम कुछ समय के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद भूखे रहकर लोगों को मोटिवेट करता है कि आप भी एक दिन के लिए एक वक्त का खाना छोड़ सकते हैं और इससे जिससे कि अगर वो खाना छूटेगा तो इससे गरीबों को जो है वो खाना नसीब होगा। और ऐसा ही वाक्य उन्होंने किया और ऐसा करते हुए वाकई ही देश की जनता उनसे प्रेरित होती है और सभी लोगों ने सोमवार का दिन निश्चित कर लिया कि उस दिन वो उपवास रखेंगे और इस उपवास के नाम पर जो एक दिन के खाने की बचत होगी वो भला वो गरीब तबका जो है वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो ऐसी पर्सनैलिटी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1 जनवरी 1966 को कार्डिक अरेस्ट, यानी आप कह सकते हैं शास्त्री जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको दो बार पहले भी अटैक आ चुका था। और ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध की बात चल रही थी तो शास्त्री जी भी झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा कि भारतीय सेना पूरी तरह से जोर शोर से जो है मुकाबला कर रही है उनके सैनिकों का तो पाकिस्तान ने शांति के लिए जो वो शांति व सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। और ऐसे में शास्त्री जी की कूटनीतिक चालों की वजह से ही शास्त्री जी इस समझौते के ऊपर जो वो उन्होंने भी अपनी सहमति भर दी। ताशकंद के अंदर पाकिस्तान और भारत के अंदर एक समझौता होता है, ऐसा माना जाता है इसी समझौते के साथ यानी ताशकंद समझौते के साथ इस युद्ध को विराम लग जाता है और इसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। फिर इस समझौते के तुरंत बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसा होता है कि शास्त्री जी की हत्या हो जाती है या फिर मैं कहूँ कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस बात का सबूत आज भी नहीं है, ताशकंद के अंदर ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत होती है और एक ऐसी महान पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो वाकई ही हर किसी को प्रेरित कर सकता था अपने विचारों से, अपनी सादगी से, अपने उच्च विचारों से और खास तौर पर देश की युवा पीढ़ी को उनसे वाकई ही कुछ सीखने की
ज़रूरत थी जो आज भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ऐसा भी माना जाता है कि उनकी हत्या के भी कोई सबूत नहीं है, और हालांकि ऐसा माना ही जाता है कि बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन जो भी है, हमने चाहे उनकी मौत किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन हमने एक ऐसी महान पर्सनालिटी को अपने बीच से अलविदा कहा जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, इवन आज भी सीख सकते हैं। और अगर वो एज ए प्रधानमंत्री के रूप में काम करते तो शायद देश को और भी आगे ले जाते, और जो उनका सपना था, जो वो अपने लिए सपनों का भारत सोचते थे, जो सम्मान, जो पहचान विश्व पटल पर दिलाना चाहते थे भारत को, वो वाकई ही आने वाले समय में वो दिला सकते थे। अब तक हमने जाना लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कि जो उनका कंट्रीब्यूशन था हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर के बिल्कुल अस्मरणीय, जिसे हम कह सकते हैं वो था, और कैसे वो हमें शिक्षा देते हैं देशभक्ति की, ईमानदारी की, अपनी लाइफ में अपने वर्क को लेकर डेडिकेट होने की। तो ऐसे ही जो सेकेंड पर्सनैलिटी है जिनका आज बर्थडे है, हम उनके बारे में अब कुछ जानेंगे। तो हम इन्हें जानते हैं कि इन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री में एज अ इफ़ेक्टिव लीडर और मैनेजर बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी के बारे में, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। इनके बारे में हमने हमेशा अक्सर बुक्स, मैगजीन्स में बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी डेथ कैसे हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या रोल रहा है। और कहीं ना कहीं ये आज भी हमारी लाइफ को अपने वैल्यूएबल थॉट्स से इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें कैसे, जो इनके मेन थ्री पिलर थे, नॉन वायलेंस, पीस और ट्रुथ, इनको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। इसमें इन्होंने अपने इन्हीं तीन पिलर्स पर फोकस किया है, और हम सबको मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में सच के पथ पर चलते हुए, ट्रुथ को फॉलो करते हुए इतनी बड़ी जो सक्सेस अचीव की है कि ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से इन्होंने बाहर उखाड़ फेंका था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द महात्मा गांधी। अब हम कुछ लेसन सीखेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन से जो हमें इंस्पायर करते हैं, और ट्रस्ट मी, ये लेसन्स कुछ ऐसे लेसन हैं, आप अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो आइए जानते हैं लेसन्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट लेसन है, नेवर गिव अप एंड कीप ट्राइंग। जी हाँ, गांधी जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कंटिन्यूसली हमें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे कि हम चींटी को देखते हैं कि वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती रहती है, गिरती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिरती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें भी लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या हुआ अगर हम हमारी पहली कोशिश में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो हम सेकंड बार ट्राई करेंगे, हम थर्ड टाइम ट्राई करेंगे, फाइनली हम सक्सेसफुल होके रहेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जो गांधी जी हमें सिखाते हैं, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। इट मीन्स Be the change that you want to see in the world. Change yourself first. ये जो word, ये जो phrase हैं, ये क्या बताते हैं कि पहले अपने आप को बदलो। हम क्या सोचते हैं हमेशा कि हम expect करते हैं कि जो दूसरे person हैं वो हमसे respect से बात करेंगे, वो हमारी value करेंगे, उनका जो behavior है वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो change आप दूसरों में देखना चाहते हो, वो पहले आपको अपने अंदर लाना होगा। अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो उसकी स्टार्टिंग आपको खुद से करनी होगी, तभी हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ें।
तो अब हमें क्या करना है, हम कुछ भी चेंज चाहते हैं हमारी लाइफ में, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास पॉजिटिविटी हो, तो वो पॉजिटिविटी हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें हमारे थॉट से स्टार्ट करनी है और इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। नेक्स्ट लेसन है जो हम महात्मा गांधी जी से सीखते हैं, परस्यू द ट्रुथ इवन इफ़ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ वन, द ट्रुथ इज ट्रुथ। एग्जैक्टली, जैसे कि सच है उसे कोई नहीं हरा सकता। इन केस अगर आपको कभी लगता है कि आप अकेले हो, सच बोलने वाले हैं, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आप माइनॉरिटी हो, आप हार जाओगे अगर आप सच के साथ चलोगे। बहुत से लोग तो झूठ को सपोर्ट करते हैं, झूठ ज़्यादा पावरफुल है, वो ही जीतेगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ट्रुथ इज़ द विनर। देर से ही सही, लेकिन लास्ट में जो विनर होता है ना, वो ट्रुथ ही होता है। जीत हमेशा सच की ही होती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हमें सच के साथ जब हम चलेंगे तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिन्हें हमें हैंडल करना होगा, लेकिन जो सच पे चलते हैं विनर तो वही होते हैं। अब नेक्स्ट लेसन है हमारा जो गांधी जी से हम सीख सकते हैं, दैट इज़ पावर ऑफ फॉरगिवनेस। एग्जैक्टली, जो वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग वेपन जिसे हम कहते हैं कि अगर हमें अपने एनिमी को हराना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे प्यार से माफ़ कर सकते हैं। फॉरगिवनेस इज़ अ साइन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पर्सन, नॉट द वीक। तो गांधी जी ने भी अपने शब्दों में इन्हीं चीज़ को कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो ही ईजिली दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, जो वीक है वो कभी दूसरे इंसान को माफ़ नहीं करेगा। आप भी देखते हो क्लास में जब आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका फ्रेंड आपको माफ़ कर दे, वहीं जब आपके फ्रेंड से कुछ गलती हो जाती है तो आपको उसे माफ़ करने में आप टाइम लगा देते हो। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें कैसे बनना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है, और हमें दूसरों को ईजिली माफ़ भी करना है। नेक्स्ट जो लेसन है जिसे हम गांधी जी से सीख सकते हैं वो है जर्नी टुवार्ड्स द डेस्टिनेशन। हम सब ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई एम सेट किया होता है कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वो जॉब करनी है या फिर मुझे उस पोजीशन को अचीव करना है। तो इस तरह से जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, तो वो जो गोल है, द पाथ टू द गोल इज़ ऑल्सो एज ब्यूटिफुल एज द गोल। तो जिस गोल को, जिस एम को हम पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए हम हमारी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल करते हैं, जितना भी हार्ड वर्क करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, अपने 100% एफर्ट्स लगाते हैं, तो वो सब मिलकर के वो जो पाथ है उस गोल को अचीव करने में हम इतनी सारी मेहनत लगा रहे हैं, वो भी उसको उतना ही सुंदर बनाते हैं जितना हमने हमारे गोल को सुंदर सोचा होता है, जितनी इमेजिनेशन होती है हमारी कि हम उस गोल पे पहुंच जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो ये कुछ लेसन्स थे जिन्हें हमने गांधी जी से सीखा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी इन लेसन्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, और यही चीज़ है जो आज हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे पे सीख सकते हैं। तो आपको प्रॉमिस करना है कि आप इन्हीं लेसन्स को जो आज हमने लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखे हैं, देशभक्ति, बलिदान और अपने देश के लिए जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, महात्मा गांधी जी के जितने भी लेसन्स हैं जिन्हें आज हमने जाना है, उन सब को हम भी अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। थैंक यू।